सो हियर वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरश्योर, एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे माइट हैव यू नो ऑल दीज आईएम्स इन देयर लिस्ट। सो आई एम गोना टॉक अबाउट आईएम शिलोंग का प्लेसमेंट रिपोर्ट जो कि रीसेंट रिपोर्ट है। हम लास्ट के दो साल के प्लेसमेंट्स को कंपेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम स्टार्ट करें इस एपिसोड को, सबसे पहला पैरामीटर है ये 2022 का प्लेसमेंट है, ये 2023 का प्लेसमेंट है। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें बैच में तो 250 स्टूडेंट्स, 238 स्टूडेंट्स 23 में थे। रिक्रूटर्स पार्टिसिपेटेड इन फाइनल प्लेसमेंट 73, इस साल कंपैरेटिवली 2022 से कम रिक्रूटर्स थे, 63 रिक्रूटर्स थे। देन अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स तो 2022 में 48 थे, इस साल ज़्यादा प्री प्लेसमेंट ऑफर्स 85 मिले हैं। नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटर्स की बात करें तो 43 न्यू रिक्रूटर्स थे 2022 में, जो कंपैरेटिवली 2022 से 2023 में कम है, दैट इज 26। राइट नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन वाइज, 2022 में अगर हम बात करें तो जो डोमेन वाइज ऑफर्स थे कंसल्टिंग में 30% थे, इस साल 35% है। सेल्स एंड मार्केटिंग में 19% थे, इस साल 17% है। फाइनेंस में 18% थे, 20% है। जनरल मैनेजमेंट 13% थे, कम हो चुके हैं, 7% इस साल थे। ऑपरेशन में 11% थे, इस साल सिर्फ 5% रोल्स जो हैं वो ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। और IT एनालिटिक्स में 9% थे, जो इस साल जस्ट डबल हो गए हैं, विच इज़ डबल तो नहीं बट 16%, जो कि काफ़ी एक बड़ा जंप है। तो कंसल्टिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रीम करते हैं, 35% ऑफ द बैच जो है कंसल्टिंग में गया, बट उसके अलावा भी बाकी फिगर्स भी जो हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग 17% है, फाइनेंस अगर आप कोड देख रहे हैं 20% जॉब्स हैं, जनरल मैनेजमेंट HR के कम हैं और बाकी IT एंड एनालिटिक्स में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। राइट, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग 19%, टेक्नोलॉजी 5%, अदर्स 4%, BFSI 27%, IT एनालिटिक्स 24%, कंसल्टिंग 21%। ये 2022 का था बेस्ट। 2023 की बात करें तो IT एनालिटिक्स 14%, BFSI 23%, अदर्स 2%, यू नो मैन्युफैक्चरिंग 20% है, उसके बाद टेक्नोलॉजी 10%, और अगर हम कंसल्टिंग की बात करें तो यू नो 31% जो है वो कंसल्टिंग का है। एवरेज पैकेजेस की अगर हम बात करें तो 2022 में टॉप 20% स्टूडेंट्स के लिए यू नो 31.31 लाख का एवरेज पैकेज था, वेरिज इस साल जो है वो 4 लाख का जंप है, 35.35 लाख का एवरेज पैकेज है। टॉप 50% की बात करें सो 2022 में 26.95 लाख का था, 2023 में 30.82 लाख का कहीं ना कहीं एवरेज CTC था ईयर वाइज। अब अगर हम एवरेज और हाईएस्ट की बात करें, 2022 का फिगर है, 2023 का फिगर है, हाईएस्ट CTC 71 लाख का है 55 लाख से, जो कि काफ़ी बड़ा जंप है। बट आई थिंक जब हाईएस्ट CTC की हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें कई सारे वर्टिकल्स होते हैं, आपको कुछ ज्वाइनिंग बोनस रहता है, कुछ SOPs रहते हैं, बट तो इट्स नॉट लाइक इसमें फिक्स हो सकता है यू नो कंपैरेटिवली कम हो। एवरेज की अगर हम बात करें 26 लाख का है, जो कि 23 लाख का था, विच इज़ अगेन बेटर देन लास्ट ईयर। वेरेज अगर हम मीडियन पैकेज की बात करें, जो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, वो मीडियन जो एक तरह से ज़्यादातर बच्चों को मिला है, तो वो भी 26 लाख का है, जो 2022 में 22 लाख का था। राइट, अगर हम कंसल्टिंग स्ट्रैटेजी में हाईएस्ट की बात करें 31 लाख का, राइट, जो कि यू नो 31.2 का ही है। फाइनेंस में 32 लाख, यू नो इस साल 41 लाख का है। देन सेल्स एंड मार्केटिंग 34 लाख का था हाईएस्ट CTC, इस साल 41 लाख का है। जनरल मैनेजमेंट 26.31 लाख का था हाईएस्ट, इस साल यू नो 27 लाख का है। HR में 32 लाख का हाईएस्ट पैकेज था और इस साल 34.7 लाख का है। एंड दीज आर द रिक्रूटर्स विच इंक्लूड ऑल दी कंपनीज, राइट फ्रॉम कंसल्टिंग में आपको सारी कंपनीज मिलेंगी, बैंक्स आपको मिलेंगे, FMCG मिलेंगे, मार्केटिंग मिलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मिलेंगी। एंड Do let me know your feedback in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.